नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता, खाओ खिलाओ में आपका स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, बड़े दिनों के बाद मैं आपके यहाँ रेसिपी लेके आ रहा हूँ। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये चीज मैं बोलने के लिए बहुत ही तरस रहा था। तो मैं आपके यहाँ रेसिपी लेकर आया हूँ, शिमला मिर्च आलू की। तो शिमला मिर्च आलू की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप मेरे को फुल सपोर्ट करिए, मेरी रेसिपी को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि मेरे को अच्छे से मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊं आपके सामने। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सब्जी की रेसिपी लेकर आया हूँ। आज मैं बनाने वाला हूँ मजेदार दम ड्राई सब्जी, जिसमें मैं बनाऊंगा शिमला मिर्च आलू। अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन है ये ग्रीन कैप्सिकम एंड पोटैटो का, एंड बहुत ही डिलीशियस सब्जी है और एकदम ड्राई सब्जी है। ये शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं यहाँ पे सरसों तेल डालूंगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल लिया है। सरसों तेल का इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। जहाँ तक कि सब्जी बनाओ तो सरसों तेल में ही बनाओ। अब सरसों तेल को यहाँ पे हम गर्म होने देंगे और यहाँ पे 2 तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता का टेस्ट में बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को बीच में से काट लिए और यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, लहसुन डालूंगा। यहाँ पे मैंने करीब 4 से 5 लहसुन को मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं इलायची ले रहा हूँ। अब इलायची को हम यहाँ पे खोल के इसके दाने डालेंगे। यहाँ पे 1.5 चुटकी हींग डाला हूँ मैंने। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज के पत्ते लिए है, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ये ऑप्शनल है पर इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने यहाँ डालूंगा 5 प्याज के पत्ते। अब यहाँ पे मैंने प्याज लिए, 2 बड़ी प्याज लिए मैंने, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिए। मिक्स करेंगे हम यहाँ पे। चाहो तो यहाँ पे प्याज के पत्ते भी डाल सकते हो और ये नॉर्मल जो मैंने प्याज लिया वो भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं मसाले डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी ली है मैंने। अब मैं सभी मसालों को मिक्स कर दूंगा। जी बहुत ही चटपटी है, मैं तो इसे पर्सनली पराठे से ही खाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं, तो वो अब मैं डालूँगा। आप छोटे लो तो 4 ले लीजिए। और इसको यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज जैसे काट लिया है, बच्चे तो इसे बहुत शौक से खाएंगे, ये बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। और इसमें मसाले का डिश तो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो अब मैं यहाँ पकाने के लिए इसमें नमक डालूंगा, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इसको मिक्स करेंगे। आलू और मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसे पकने देंगे। अब हम शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 मिनट तक पकने दिया, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड की है। हमने ये साइज़ की शिमला मिर्च ली है, आप छोटे लिए तो 4-5 ले सकते हैं। अब यहाँ मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे जो भी जादू होने वाला है वो कढ़ाई का होने वाला है। अभी आप जैसे देख रहे हो मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं इसको ढक के जब पकाऊंगा, मैंने लोहे की कढ़ाइया यूज़ की है। लोहे की कढ़ाइया में एक अलग ही रंग आता है सब्जी में, वो रंग जब ये सब्जी में आएगा सब्जी बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। चालू पकाने के लिए मैंने 1/2 कटोरी पानी डाला है, आप ज़्यादा पानी नहीं डालें यहाँ पे, वरना फिर बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी ये। तो अब हम इसे ढक के करीब 3 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। बीच में ही मैं अपनी सब्जी को एक बार चला लूँगा, जिससे कि वो नीचे चिपके ना बिल्कुल भी। अब मैं वापस से ढक के इसको कुछ सेकेंड्स के लिए पकने दूंगा। ज़्यादातर लोग ये सब्जी को दाल चावल के साथ ही पसंद करते हैं खाना, तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अब हम चेक करते हैं सब्जी। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी का कलर एकदम चेंज हो चुका है, पहले कुछ और था अभी कुछ और है।
और यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई यूज की है, तो उसमें भरपूर आयरन की मात्रा आपको सब्जी में जरूर मिलेगी। अब पर हम सब्जी को सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सब्जी मैंने सर्व कर ली है। ये सब्जी मैंने अपनी मम्मी से सीखी है, तो आप भी बनाइए सब्जी को, ट्राई करिए, आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी ये सब्जी। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।